नमस्कार साथियों, कल मैंने सवाल पूछा था थ्री फेज लोको में रीजनरेटिव ब्रेक लगाते समय अगर ओएचई का टेंशन चला जावे तो क्या होगा और हमें क्या करना है। तो कई लोगों ने इसका उत्तर दिया है, अच्छा उत्तर दिया, फिर भी मैं और क्लियर कर देता हूँ कि थ्री फेज लोको में रीजनरेटिव लगे ब्रेक लगा रहे हैं और टेंशन चला गया तो उस समय क्या होता है, बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, जबकि कन्वेंशनल लोकों में बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लेंडिंग वाल लगा हुआ है तो उस ब्लेंडिंग वाल के थ्रू सिर्फ लोकों में ब्रेक लगता है। तो अब लोकों में ब्रेक लगेगा और बीपी प्रेशर तो ड्रॉप हुआ नहीं, तो फिर व्हील स्कीड होने का खतरा रहता है। इसीलिए जब भी चलती गाड़ी में रीजनरेटिव के समय अगर डीजे ट्रिप हो जाता है तो हमें पीवीएफ को दबा देना चाहिए ताकि लोको ब्रेक न लगे, नहीं तो क्या होगा, लोको ब्रेक से व्हील स्कीड का खतरा रहेगा। आज बताता हूँ कि चलती गाड़ी में ओएचई का टेंशन चला जावे तो हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो जो बताई वो तो रीजनरेटिव बात की थी, अभी सामान्य अवस्था में आप गाड़ी चला रहे हैं और टेंशन चला गया ओएचई का, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी ओएचई का टेंशन चला जाता है, थ्री फेज में हो चाहे कन्वेंशनल लोको में, कन्वेंशनल लोको में Q30 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाता है और वहाँ भी जो MVR वोल्टेज लगी है उसके द्वारा VCB ट्रिप हो जाता है। तो जब भी डीजे ट्रिप होता है तो हमें सबसे पहले रिले टारगेट चेक करना होता है कि भाई कोई टारगेट तो ड्रॉप नहीं, उस समय हमें मालूम नहीं होता है कि ओएचई के कारण डीजे ट्रिप हुआ है या किसके कारण डीजे ट्रिप हुआ है। तो उस समय हमें क्या करना है, सबसे पहले रिले टारगेट चेक करना है, अगर कोई टारगेट ड्रॉप नहीं है तो फिर एबनॉर्मल साइन पिकअप करते हैं। अब एबनॉर्मल साइन पिकअप किया और उस समय LSDJ बुझता है लेकिन UA डेविएट नहीं होता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ओएचई में टेंशन नहीं है। उस समय हमें तुरंत फ्लेशर लाइट जलाना चाहिए और गाड़ी को जो टेलीफोन के टेप होते हैं वहाँ ले जाकर खड़ी कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी गाड़ी को खड़ा करना चाहिए और हर एक एक मिनट में VCB को क्लोज करने का प्रयत्न करना चाहिए, हो सकता है टेंशन आ जावे। अब आप बोलेंगे साहब टेंशन चला गया, गाड़ी को क्यों खड़ा करना है, तो गाड़ी को इसलिए खड़ा करना है, कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है, स्टेशन मास्टर को नोटिस में आता है, वो देखता है तो कंट्रोल को सूचना देता है कि भाई इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो वो सप्लाई को काट के गाड़ी को खड़ी करवाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जल्दी से जल्दी गाड़ी को खड़ा कर देना, नो टेंशन के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मामले में तो सेक्शन क्लियर करके गाड़ी को खड़ा करना चाहिए, स्टेशन पर पहुँचने की ट्राई करनी चाहिए ताकि पीछे कोई गाड़ियाँ नहीं पीटे। लेकिन ओएचई का टेंशन जाने पर हो सकता है अपनी गाड़ी में कोई खराबी या सामने से आने वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए फ्लेशर लाइट जलाना चाहिए और गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। खड़ा करने के बाद में फिर गाड़ी को पीछे भी देखना चाहिए, असिस्टेंट लोको पायलट को चेक करने भेजना चाहिए और अगर 5 मिनट तक टेंशन नहीं आता है तो फिर TPC TLC से बात करना, आजकल तो क्या मोबाइल की सुविधा अच्छी हो गई है, उससे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पता करना चाहिए टेंशन क्यों नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई टेंशन चले जाने पर हमें करना चाहिए, जब ओएचई का टेंशन चला जाता है तब। और आ जाता है टेंशन तो फिर कोई बात नहीं, अपन को नॉर्मल गाड़ी TLC को लेकिन सूचना जरूर दे देनी है कि भाई टेंशन चला गया था, इस जगह हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, अब टेंशन आ गया है इसलिए हम गाड़ी को वापस स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी जो नियम है जो आपने पढ़ा वो तो है ही, ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आपको रिमाइंडर के लिए बनाता हूँ, बाकी पूरा नियम तो आपके जो किताब में है, रूल्स रेगुलेशन का पालन तो आपको करना ही है। धन्यवाद।